हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम NTU UGC नेट में हायर एजुकेशन में करंट अफेयर करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर हम कर रहे हैं अपडेटेड वीडियो है। ये 25 सितंबर 2021 को हमने डेटा कलेक्शन किया, यानी कि सब कुछ लेटेस्ट है, तो इसलिए आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में दोस्तों हम जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक हम करने वाले हैं। ऐसे अगर देखा जाए करंट अफेयर तो दोस्तों देश जहान का करंट अफेयर है भैया, क्या क्या करोगे, एक महीना आपको करंट अफेयर पढ़ने में लग जाएगा। बट दोस्तों हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो इस वीडियो में हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NIRF रैंकिंग 2021 और 2020, ये दोनों शामिल करना हमारे लिए जरूरी क्यों है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में से हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और NIRF रैंकिंग से हर बार एक क्वेश्चन आता है, आप सभी को पता है। उसके बाद में AISH रिपोर्ट, ये 2021 में पब्लिश हुई थी, इसके बारे में पढ़े हैं। फिर विजिटर अवार्ड है, QS वर्ल्ड रैंकिंग है, और फिर यूनिवर्सिटी लिस्ट है, यानी कि फेक यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखना और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये है कि आज की जो करंट अफेयर की वीडियो है इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में नोट्स आप देख सकते हैं। आप PDF तक भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली में, चाहे आपने पेड कोर्स ले रखा हो चाहे आप फ्री स्टूडेंट हो, कोई भी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप ये देख सकते हैं NTAUGCNET.co.in, यहाँ पर मैं गूगल में आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, जैसे हम गूगल करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एक वेबसाइट मैं बताता हूँ आपको, NTAUGCNET.co.in, ये देख लो .co.in है ये, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, ये आप गूगल करोगे, गूगल करने से आपके सामने ये देखो सबसे पहले आ गया ना, बस बेस्ट स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का बहुत कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रोल डाउन करना है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा NTAUGCNET करंट अफेयर 2021 PDF, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, टेक्स्ट रूप में भी मिल जाए आपको, तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं, इसमें देखो NIRF रैंकिंग, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, फिर NIRF रैंकिंग लिस्ट 2021, फिर 2020 की लिस्ट दी हुई है, फिर AISHE रिपोर्ट यहाँ पे दी हुई है, और फिर रिसेंट इनिशिएटिव दी हुई है यहाँ पे, फिर विजिटर अवार्ड है, और QS वर्ल्ड रैंकिंग है, फिर यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे दी हुई है, यानी कि पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ऑल पेपर सेकंड कोर्सेज देखो, आपका कोई भी पेपर सेकंड चाहे कुछ भी आपका पेपर सेकंड, तो उसमें आपको अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियोज मिल जाएगी, फ्री में कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव मॉक टेस्ट, अगर आपको लेने आपका पेपर सेकंड जाए कुछ भी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, मैं आपको बता रहा हूँ मस्ट यूज, इसके अंदर आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे आते हैं और अपना करते हैं करंट अफेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों NIRF रैंकिंग क्या है, इसमें से बेसिक क्वेश्चन हमारा पूछ सकते हैं भाई। इसकी देखो एक जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से क्या आएगा कि इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म इसमें से पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट है, उनको रैंकिंग देने का काम करता है हर साल, और उनकी गुणवत्ता के अनुसार उनमें किस तरीके से स्टडी करवाई जा रही है, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे है वो, तो उसी के अनुसार इनकी
रैंकिंग दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2015 को हुई थी और इसने पहली अपनी जो लिस्ट है वो कब जारी की थी, 4 अप्रैल 2016 को इसने जारी की थी। यहाँ से हमारे बेसिक क्वेश्चन बन सकते तो आप इसे देख लेना। और इसके रैंकिंग के पैरामीटर क्या है दोस्तों, कितने पैरामीटर है और क्या क्या पैरामीटर है ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंकिंग के लिए पैरामीटर क्या क्या है हमारे, इसके लिए 5 पैरामीटर है जिसके अनुसार रैंकिंग दी जाती है। नंबर 1 पे टीचिंग एंड लर्निंग है, फिर है परसेप्शन है, फिर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है, फिर है आउटरीच और उसके बाद में ग्रेजुएशन आउटकम है। ये 5 हमारे पैरामीटर है, इन्हीं के अनुसार किसी भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज को रैंकिंग दी जाती है। और इसमें दोस्तों एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगली जो बेसिक चीज़ है हमारे लिए, वो है कि कितनी कैटेगरी में इसको रैंकिंग दी जाती है। तो 11 कैटेगरी में इसको रैंकिंग दी जाती है। और इसमें एक चीज़ और हमें देखना ज़रूरी है कि डेंटल कॉलेज को इसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। डेंटल कॉलेज को अभी की बार इसमें शामिल किया गया, 2021 के अंदर इसको डेंटल कॉलेज को इसमें शामिल किया गया। सबसे पहले हम ये 11 कैटेगरी देखते हैं कौन कौन सी है। इसमें यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, रिसर्च और उसके बाद में है, हाँ एक वो है हमारे डेंटल कॉलेज को अब की बार इसमें शामिल किया गया है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें। अच्छा, तो सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों कि NIRF रैंकिंग 2021 करते हैं। NIRF रैंकिंग 2021, इसके अंदर किस किस को क्या क्या रैंकिंग मिली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल जो रैंकिंग मिली है तो वो किसको मिली है, IIT मद्रास को रैंकिंग मिली है ओवरऑल की अगर हम बात करें तो। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे नंबर एक पे टॉप पे कौन रही है, IISc बेंगलोर रही है। उसके बाद में इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT मद्रास रही है। और उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर IIM अहमदाबाद, फार्मेसी के अंदर जामिया हमदर्द, कॉलेज के अंदर भैया मिरांडा हाउस आप सभी को पता है हमेशा 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 टॉप पे रहता है, तो अब की बार भी ये टॉप पे रहा है। और उसके बाद में मेडिकल में आप देख सकते हैं IIMS न्यू दिल्ली, फिर लॉ के अंदर है NLSIU बेंगलोर, फिर आर्किटेक्चर के अंदर IIT रुड़की। तो आप ये सारे के सारे लिस्ट देख लेना, टॉप जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये देख लेना। और इसमें से जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आप सभी को मैं बता दूं, इसमें पूछे जाएंगे कि सीक्वेंस में लगाइए जो NIRF रैंकिंग के अनुसार जिन जिन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आई उनको सीक्वेंस में लगाइए। सीक्वेंस में लगाने का एक क्वेश्चन आता है, नंबर एक। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्नलिखित में से 2021 में NIRF रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा था, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन जो टॉप वाला मैंने बताया था तो वो यहाँ से बन जाएगा आपका। और उससे अलावा जो एक और क्वेश्चन है जो हमारा सीरीज में सीक्वेंस में लगाना होता है तो वो यहाँ से बनेगा। तो टॉप 5 कैटेगरी हम देखते हैं, टॉप 5 लिस्ट देखते हैं। टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री, ये IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कानपुर और फिर खड़गपुर। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें तो IIMS दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, ठीक है, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जहाँ इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ ना दोस्तों, मैं क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। हाँ, टॉप फाइव कॉलेज इसमें से क्वेश्चन आता है हमारा, ये देखो। अगर आपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा इसमें से हमारे क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। टॉप 5 कॉलेज में से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सीक्वेंस में लगाना दे देते हैं। तो इसमें टॉप 5 कॉलेज कौन कौन से हमारे, मिरांडा हाउस है नंबर एक पे दिल्ली में, और फिर लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, ये भी हमारा आता है टॉप पे आता है। फिर उसके बाद में लोयोला कॉलेज चेन्नई, ये अब की बार नया है दोस्तों। और फिर उसके बाद में ये दो और है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। टॉप 3 याद रख लेना, टॉप 5 याद रखने की जरूरत नहीं, आपको टॉप 3 आप याद रख लेंगे तो उसी से आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें टॉप 5 रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन कौन से, IIS बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT
बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, तो आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग 2020। अच्छा 2020 हम क्यों कर रहे हैं, 2020 हम इसलिए कर रहे हैं, कई बार ये पिछले साल का भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। और इसमें देखो ज़्यादा बहुत ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो टॉप रैंकिंग आई है, एक तो नंबर एक पे जिन जिन की पोजीशन रही है वो आपको याद होना चाहिए, दूसरी आपको टॉप थ्री याद होना चाहिए, ठीक है, ये कर लिया हमने। और उसके बाद में हम करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 की हम बात करते हैं। अच्छा ये जो रैंकिंग आई थी ना 2021 में, ये सिक्स्थ रैंकिंग थी, छठवीं लिस्ट ये जारी हुई थी हमारी, और 2020 में हुई थी पांचवीं लिस्ट हमारी जारी हुई थी। और इसके अंदर जैसे ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कितनों ने आवेदन किया था, क्या था, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम देखते हैं, इसमें जो जो टॉप रहे थे वो हम देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर इसमें है तो, हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो इस साल पहली बार, ये देखो 2020 की बात चल रही है, ये इस साल पहली बार डेंटल कॉलेजों की भी रैंकिंग जारी की गई थी, ठीक है, 2020 के अंदर पहली बार डेंटल कॉलेज की रैंकिंग जारी की गई थी, और बाद में जारी नहीं की गई और ना ही पहले जारी की गई। इसके लिए खुद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से अनुरोध किया था, ये चीज़ मैं आपको शुरू में बता रहा था, ठीक है जी। तो डेंटल कॉलेज की भी जो रैंकिंग है वो भी हम देखेंगे, तो इसमें हम 2020 में जो ओवरऑल रैंकिंग आई थी वो हम देखते हैं। ओवरऑल रैंकिंग किसकी थी, आईआईटी मद्रास की थी, फिर आईआईएससी बेंगलोर की थी, और फिर आईआईटी दिल्ली की थी, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो। अगर श्रेणीवार कैटेगरी वाइज बात करें तो विश्वविद्यालय में कौन था, आईआईएमसी बेंगलोर था, जेएनयू दिल्ली था, बीएचयू वाराणसी था, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद, फिर आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कलकत्ता जी। अच्छा अब देखो कॉलेज, कॉलेज की हम बात करते हैं, तो अब ये देखो कॉलेज के अंदर मिरांडा हाउस, अब ये देखो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो 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 ये है 2020 की रैंकिंग है, इसमें कॉलेज कौन है, मिरांडा हाउस। और ये देखो ये टॉप फाइव कॉलेज इन कंट्री, ये 2021 की रैंकिंग है, इसमें भी मिरांडा हाउस नंबर एक पे है, तो दोनों सालों के अंदर नंबर एक पे क्या है हमारा, मिरांडा हाउस है टॉप कॉलेज में। उसके बाद में नंबर दो पे लेडी श्रीराम कॉलेज है, और इसमें भी क्या है, लेडी श्रीराम कॉलेज है। लेकिन नंबर तीन पे मैंने बताया था ना आपको कि नंबर तीन पे जो रैंकिंग आई है वो अलग आई है 2021 में, लोयोला कॉलेज चेन्नई, और यहाँ पे 2020 में किसकी थी, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली की थी यहाँ पे रैंकिंग, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चिकित्सा के अंदर, एम्स नई दिल्ली, पीजी आईएमआर चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ये आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें कानून के अंदर, एनएलयू बेंगलुरु, एनएलयू दिल्ली, एनएलयू हैदराबाद। उसके बाद में आर्किटेक्चर की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और एनआईटी कालीकट, आप इसे देख सकते हैं। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमारी डेंटल कॉलेज, डेंटल कॉलेज की जो लिस्ट है पहली बार जारी की गई थी 2020 के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी, डी वाई ई पाटिल, तो इन तीन की टॉप रैंकिंग रही थी। तो दोस्तों आप इनको देख लेना, अच्छे से देख लेना, इसमें से बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो एग्जाम है वो कई शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, इसलिए ठीक है। चलो भाई और आगे हम बात करते हैं दोस्तों AISHE रिपोर्ट की बात करते हैं, और एक तो दोस्तों आप सभी की फुल फॉर्म आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। अच्छा ये जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों AISHE रिपोर्ट 2019-20 इसको नाम दिया गया है, और अभी हमने चेक किया है, अभी इसके अंदर कोई अपडेट नहीं हुआ है, ये जो लिस्ट आपको हम बता रहे हैं ना, ये लिस्ट यही लिस्ट है, अभी हमने कल ही चेक किया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसके बाद में कोई और नया नोटिफिकेशन या कोई और लिस्ट जारी नहीं हुई है, 2021 की लिस्ट जारी नहीं हुई है, अभी अभी 19-20 की लिस्ट ही जारी हुई है। तो इस लिस्ट के अनुसार हम देखते हैं क्या हुआ है,
दिस रिपोर्ट प्रोवाइड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि हमें बताता है कि क्या हमारी परफॉर्मेंस है हायर एजुकेशन की कंट्री के अंदर, और इसके अंदर की पॉइंट क्या है, क्या क्या है। अच्छा, ये कौन सी लिस्ट है, ये कौन सी लिस्ट है, ये हमारी 10वीं लिस्ट है हमारी AISHE रिपोर्ट की, और इसके अंदर क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम देखते हैं। की पॉइंट, टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट ये देखते हैं, लास्ट 5 ईयर फ्रॉम 2015 to 16 to 2019 to 20 देर हैज़ बिन ग्रोथ ऑफ 11.4%, 11.4% ग्रोथ देखी गई है पिछले 5 सालों के अंदर। टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन स्टैंड एट 3.85 करोड़, ये 2019-20 के अंदर था, कंपेयर टू 3.74 करोड़, ये इन्होंने कंपैरिजन दिखाया गया और कितना परसेंट इसमें ग्रोथ हुआ है ये यहाँ पे दिखा रहा है। और आगे हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है दोस्तों, एक तो हाईएस्ट स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, नंबर दो पे उत्तर प्रदेश कहाँ पे आता है पता आपको, कहाँ पे आता है, नंबर दो पे आता है फेक यूनिवर्सिटी में, फेक यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें इन पे आप ध्यान रखना। और अगर हम रेशो की बात करें, मेल फीमेल की बात करें, तो यहाँ पे मेल का जो रेशो है वो 49.1% है और फीमेल का है 50.9%। यार कितनी मेहनती है यार अपनी बहनें, देखो यार घर का इतना काम करती है लेकिन फिर भी कितनी मेहनत से काम कर रही है और अच्छे से स्टडी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और ये देखो सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट है वो किसके अंदर है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर है फीमेल की। ठीक है, और आगे हम बात करें ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, GER इसकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, और ये कितना बढ़ा है हमारा, 0.8% बढ़ा है इस रिपोर्ट के अनुसार जब हमने देखा। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं, GER इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ऑफिशियल स्कूल एज। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है स्कूल के अंदर और उनकी एज कितनी थी, उस पैरामीटर से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें कितना परसेंटेज बढ़ा है, 0.8% इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। और द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द एलिजिबल एज ग्रुप एनरोल इन हायर एजुकेशन 2019-20 27% बढ़ाई है, और पहले कितना था, 26.3% था, और अब की बार कितना हुआ है, 27.1% हुआ है। देखो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये डिटेल से आपसे नहीं पूछा जाएगा, डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको देख लेना बस। ठीक है, और दूसरा एक और जो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है कि जो GER है वो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के अंदर किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों फीमेल एनरोलमेंट कितनी है हमारी, देर हैज़ बीन एन ओवरऑल इंक्रीजमेंट ऑफ 18% इन द एनरोलमेंट। यार क्या बात है, वेरी गुड भाई, 18% कितना है यार, काफ़ी होता है 18%। 2015-16 के कंपेयर में 2019-20 में 18% महिलाओं ने ज़्यादा एडमिशन लिया है हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो गर्ल स्टूडेंट इज लोवेस्ट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वाइल द फीमेल पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज इज लोअर। ठीक है, अब ये देखो जो लड़कियां हैं उनका लोवेस्ट किसके अंदर है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर उनका एनरोलमेंट कम है, जबकि महिलाओं की अगर हम बात करें फीमेल पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज इज लोअर कंपेयर टू द अकेडमिक कोर्सेज के कंपेयर में, इनमें इनका एनरोलमेंट कम है। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना। आगे हमारा जेंडर पार्टी इंडेक्स इसका GPI है इन हायर एजुकेशन इन 2019-20 इज 1.01 अगेंस्ट, ये देखो ये इसमें कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है, 0.1 इसमें बढ़ा है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अच्छा, ये क्या होता है, ए GPI ऑफ वन इंडिकेट पार्टी बिटवीन द सेक्सेस ए GPI दैट वेरी बिटवीन 0 एंड 1 टिपिकली मीन ए
डिस्पैरिटी इन द फेवर ऑफ मेल्स। ये देखो हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से जीपीआई से आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मली आप देखना चाहो तो इसमें से देख सकते हैं। अच्छा ये टीचर्स है, टीचर्स का क्या कुछ रहा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टीचर यहाँ पे दिए हैं, मेल 57.5% है और फीमेल है 42.5% इनका इन्होंने टीचिंग ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें से भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखने की। अट्रैक्टिव डिसिप्लिन, और इसके अंदर क्या है, नियरली 85% ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द सिक्स डिसिप्लिन, ठीक है। छः कोर्सेज के अंदर इन्होंने 85% स्टूडेंट ने एनरोलमेंट लिया है, ह्यूमनिटी साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस एंड आईटी और कंप्यूटर, इसके अंदर इन्होंने एनरोलमेंट लिया है, ठीक है। और रिसेंट इनिशिएटिव, क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं हायर एजुकेशन के अंदर, ये भी हम देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट एम एट इंक्रीजिंग द GER इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2035, ठीक है। 2035 तक 50% GER बढ़ाने का इन्होंने लक्ष्य रखा गया है। और आगे हम बात करते हैं SPARC। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन हमारा कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख लीजिए। अरे भैया क्या हो गया ये, हाँ चलो ठीक है सही हो गया। SPARC, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, तो इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। इट एम्स एट इम्प्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च को रिसर्च की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये लाया गया है। आगे हम बात करते हैं रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अच्छा इनके बारे में हम डिटेल से भी करेंगे, ठीक है, अभी तो हम थोड़ा सा ऐसे ही बता रहे हैं नॉर्मली, इनके बारे में हम डिटेल से भी करेंगे आगे की वीडियो में। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू द कंट्री, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसके एक तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर फुल फॉर्म पता नहीं हुई ना, भूल गए तो मुक्का मारूंगा आके, आगे समझ में, एग्जाम सेंटर में आके मुक्का मारूंगा पीठ पे अगर भूल गए तो। रट लो, कुछ भी करो, इंजेक्शन लगवाओ, मेडिसिन लो, इनकी कैसे भी याद करो, ठीक है, इनको याद होनी चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन का करंट अफेयर का एक इंजेक्शन लगवा लो मेरे से, ठीक है, कुछ भी करो यार याद करो बस, मेरे को नहीं पता, मेरे को GRF चाहिए, नहीं मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, आई बस समझ में। आगे दोस्तों हमारे पास PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, इट विल अट्रैक्ट द टैलेंट पूल ऑफ कंट्री टू द डॉक्टरल प्रोग्राम फॉर द कैरिंग आउट रिसर्च इन कटिंग एज, यानी कि ये वही है कि ये PhD के लिए रिसर्च फेलोशिप दी जाती है PMRF। एक तो यार बार बार कह रहा हूँ भैया आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों हमने नोट्स के अंदर साथ के साथ यहाँ पे लिंक भी दिए गए हैं, हो सकता है हमारी ये वीडियो कोई दोस्त एक साल बाद में देखे, ठीक है, तो एक साल बाद भी ये जो नोट्स दिए ना यहाँ पे आप क्लिक करके आप न्यू अपडेट देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिंक दिए हैं ताकि कोई स्टूडेंट बाद में ये वीडियो देखे तो भी वो अपडेटेड करंट अफेयर देख सके, ठीक है। चलो भाई, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको फिर बीच में बता देता हूँ कि ये सारे के सारे नोट्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना, ये हमारी वेबसाइट है, ये मैंने आपको बताया था NTAUGCNET.co.in है, ठीक है, ध्यान में रखना NTAUGCNET.co.in, आप गूगल कर लेना, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, ये देखो यहाँ पे दिया है ना, ये देखो इम्पोर्टेंट पोस्ट, इसमें आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगी, और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है तो आप ये देख लेना जी। अच्छा उसके बाद में हम बात कर रहे थे विजिटर अवार्ड 2019। अच्छा 2019 नाम हमने इसको क्यों दिया है, क्योंकि ये देखो 2020 में जो अवार्ड है वो अभी तक आए ही नहीं है, 2020 के 2021 के भी नहीं आए हैं, अभी हमने 25 सितंबर 2020 को अपडेट चेक किया था, कोई अपडेट नहीं है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, तो इसलिए अभी तक 2019 तक ही हमारे लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अनुसार विजिटर अवार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारी वो हम देखते हैं किस किस को विजिटर अवार्ड मिला है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों
विजिटर अवार्ड जो है कब शुरुआत की गई थी, 2014 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी विजिटर अवार्ड की, ठीक है। तब से राष्ट्रपति विभिन्न श्रेणियों में विजिटर अवार्ड देते हैं, और इसके अंदर देखो जो विजिटर अवार्ड दिए जाते हैं वो तीन कैटेगरियों में दिए जाते हैं, तीन श्रेणियों में। कौन कौन से वो तीन श्रेणी, विजिटर अवार्ड फॉर इनोवेशन, ठीक है, विजिटर अवार्ड फॉर रिसर्च, रिसर्च के अंदर भी ह्यूमनिटी, आर्ट, आर्ट एंड सोशल साइंसेज, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और उसके बाद में विजिटर अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख लेना। अच्छा, विजिटर अवार्ड विल बी प्रेजेंट फॉर रिसर्च, इसके अंदर ये चीज़ें तो हमने चलो देख ली है, तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे इसमें देख ली हमने। अच्छा, और जो हमारा है दो जो विजिटर अवार्ड है वो किस 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 को दिया गया है, दिस ईयर विजिटर अवार्ड फॉर द रिसर्च विल बी प्रेजेंटेड टू, किस किस को दिया गया है विजिटर अवार्ड, प्रोफेसर शिवनाथ दुबे, प्रोफेसर संजय पुरी, प्रोफेसर असाद अल्लाह खान, और डॉक्टर प्रीतमा एंड डॉक्टर शैनन राय चौधरी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इनको क्यों दिया गया है, किस वजह से, क्या खासियत से इनको ये अवार्ड दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्होंने जो प्रोफेसर शिवनाथ दुबे, इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, और इन्होंने एड्स वगैरह पे काम किया था तो इसलिए इनको दिया गया है। प्रोफेसर संजय पुरी को क्यों दिया गया, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है ये, वहाँ पे इनको दिया गया है, और स्टैटिकल फिजिकल एंड नॉन लीनियर डायनामिक्स के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर आप ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और फिर है प्रोफेसर असाद अल्लाह खान, और आइडेंटिफाई एंटी माइक्रो बायलो रेजिडेंस AMR के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें से दोस्तों आज तक दो बार क्वेश्चन आए हैं, आज तक कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। इन्होंने ये पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से किसको अब की बार विजिटर अवार्ड दिया गया है, बस ये ऐसे क्वेश्चन आया था, कुछ ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। तो अगर आप ये देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। और मैं बता रहा हूँ आपको, नोट्स बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल ईजिली नोट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप इसे ये देखना चाहे तो ये भी आप देख सकते हैं, वही सारी चीज है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए QS वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक है। और QS वर्ल्ड रैंकिंग क्या है दोस्तों, QS वर्ल्ड रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी लंदन स्थित क्वाक वेरेली साइमंड ने 2021 को प्रसारित किया था, ठीक है। ये हाँ, ये आप नाम पढ़ सकते हैं, इसके द्वारा ये प्रसारित की जाती है QS वर्ल्ड रैंकिंग। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, 2021 की जो रैंकिंग है इसके अंदर, जिसमें विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है, और उन 200 में से भारत के 3 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आई है। और 3 कौन कौन से, हमारे IIT बेंगलोर, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, इन तीनों की रैंकिंग हमारी आई है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी ही डीमोटिवेट करने वाली बात यह है कि इनकी जो रैंकिंग है वो अब की बार डाउन आई है, ठीक है, नीचे खिसक गए हैं। ये देखो, जिसमें पूरे विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी का 48 विभिन्न विषय और 5 कंपोजिट फैकल्टी एरिया के साथ। अच्छा, ये अलग चीज़ है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना उसको हम देखते हैं, जो हमारी जो रैंकिंग आई है वो। ये देखो, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 जारी की गई, इसमें 500 जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भाग लिया था, सिर्फ 8 संस्थाओं की जगह मिली है जी। इतना ही नहीं, भारत के बहुप्रतिष्ठित व सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले IIT बॉम्बे की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग गिर गई है। मैंने कहा था ना, इसकी जो रैंकिंग है वो गिर गई है। और ये देखो, 2020 की तुलना में 2021 में इसकी रैंकिंग 20 पायदान नीचे खिसक गई है। पहले इसकी रैंकिंग कितनी थी, पहले इसकी 152 रैंकिंग थी 2020 के अंदर, इसकी रैंकिंग कितनी थी QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 152 थी, बट अब इसकी रैंकिंग कितनी आ गई है, अभी इसकी रैंकिंग 172 आ गई है 2021 के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं IISc, ये कौन सा है, बेंगलोर, ठीक है, इसकी रैंकिंग कितनी आई है, 185वीं रैंकिंग आई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा स्थान कहाँ पे है, नीचे से टॉप में हम, आई बात समझो, नीचे से फर्स्ट है,
देख लो आप यार, थोड़ी सोचने वाली बात है हमारे लिए, शर्म की बात है ये हमारे लिए कि नीचे से फर्स्ट आ रहे हैं हम, सबसे नीचे का एरिया हमारा है, 185वीं रैंकिंग यार, इस 185 के बाद बच के आ गया। चलो खैर जो भी यार, क्या करें अब हम, आप जानते ही कितना बुरा हाल है हमारा एजुकेशन के मामले में इंडिया में। चलो जो भी, इट्स ओके। अच्छा अभी तो और भी बेइज्जती होनी बाकी है, रुक जाओ, अभी तो और भी बेइज्जती होगी। IIT दिल्ली की, इसकी कितनी रैंकिंग आई है, 193 आई है, ठीक है। अब देखो वैसे तो अच्छी बात है हमारे लिए भाई, कुछ ना होने से कुछ तो बेटर है, ठीक है, अच्छी बात है, बट यार कुछ थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इसके अंदर। तो इसकी कितनी रैंकिंग आई है, 193वीं रैंकिंग आई है यहाँ पे। और इसके बाद में, ये तो थी हमारी टॉप 3 थी, उसके बाद में टोटल 8 की बात की गई थी ना, तो IIT मद्रास की 275वीं आई है, IIT खड़गपुर की 314 रैंकिंग आई है, और IIT कानपुर की 350 आई है, IIT रुड़की की 383 आई है, IIT गुवाहाटी की 470 आई है। अच्छा टॉप, हाँ 200 में से, टॉप 200 उसमें से हमारे 3 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। टॉप 200 जो यूनिवर्सिटी है उनमें 3 यूनिवर्सिटी है, और 500 में अगर हम बात करें तो हमारी 8 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये आप याद रखना। चलो भाई आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ये चीज़ तो खैर हमने पढ़ ली। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की बात करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं जी। तो इसके अंदर ये देखो, ये हमारी अपडेटेड लिस्ट है, इसके अंदर 18/6/2021 को लिस्ट जारी हुई थी, उसके अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है हमारी, 429 है, डीम्ड 2 यूनिवर्सिटी 125 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी कितनी है यहाँ पे, 54 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 380, और टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, 988 है। अच्छा इसमें से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, 988 है, प्राइवेट डीम्ड 2 यूनिवर्सिटी, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा यूनिवर्सिटी अंडर 12वीं, यूनिवर्सिटी अंडर 12वीं ये एक हमारा नया क्राइटेरिया आया है, इसके अनुसार और हम देखते हैं, ये भी हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी 12वीं का मतलब क्या है। इसके अंदर हमारी टोटल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, 252 है, डीम्ड 2वीं यूनिवर्सिटी 46 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 12 है, टोटल कितनी है, 364 है। ये देखो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को लंबी कवायद के बाद आखिरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12वीं का दर्जा मिल गया। 12वीं में शामिल हो जाने के बाद विश्वविद्यालय UGC मिलने वाली हर तरह की ग्रांट का हकदार बन जाती है, यानी कि 12वीं, 12वीं यूनिवर्सिटी क्या होती है, वो ऐसी यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया है, इसके अंदर जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसको UGC के द्वारा जो जो फंड दिए जाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें, जो ग्रांट दिए जाते हैं वो सारे के सारे उसे फिर मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मान्यता मिलने के बाद VV रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए UGC से वित्तीय सहायता ले सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई संस्था यूनिवर्सिटी चला रही है और वो उसके लिए आवेदन करती है, भाई हमें भी UGC मिलने वाला ग्रांट मिलना चाहिए, तो अगर उसे वो अप्रूवल दी जाते तो यूनिवर्सिटी 12वीं के अंदर वो काउंट होती है, UGC 12वीं के अंदर काउंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा आगे हम बात करें 24 स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटी एज ऑन अक्टूबर 2020। अच्छा ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने 25 सितंबर 2020, सॉरी 2021 को लिस्ट चेक की है, इसकी अक्टूबर 2020 के बाद कोई लिस्ट अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। लास्ट अपडेटेड जो लिस्ट है वेबसाइट पे भारत सरकार द्वारा, यही वो लिस्ट है, इसके अंदर 24 हमारी फेक यूनिवर्सिटी दी गई है। और इसमें से एक क्वेश्चन हमारा आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है, वो इन्होंने पूछा हुआ था, तो आप अगर देखना चाहो तो इसे देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर हमारी है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज दिल्ली के अंदर है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली है, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली है, ये आप सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे हमने दी हुई है, ये पूरी की पूरी लिस्ट अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा एक और जो क्वेश्चन इसमें से जो बना था हमारा, वो क्वेश्चन हमारा ये बना था कि सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी किसके अंदर है, तो वो आंसर आया था हमारा उत्तर प्रदेश आया था। और एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें एक बार देख जरूर लेना, जरूर जरूर आप एक बार इसको पढ़ लेना इस लिस्ट को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो कोई नहीं आप इनको पढ़ लेना, नोट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं,
ठीक है। नोट्स मैंने आपको वेबसाइट पे बता दिए कि हमारी NTAUGCNET.co.in ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, ठीक है जी। और दोस्तों ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था, इसके अलावा भी हमारे बहुत तरह के करंट अफेयर हो सकते हैं, उन सभी को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए ये करंट अफेयर करना। और ऐसे तो भैया पूरा समंदर है, कितना भी करंट अफेयर कर लो कोई ख़त्म होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, और इसके अलावा आप दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि क्या हमें पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए भी ऐसा ही करंट अफेयर वीडियो लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। अगर इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक होंगे, 500 लाइक होंगे तो मैं ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। और लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ भैया, हमारी वेबसाइट है ये, हमने न्यू लॉन्च की है वेबसाइट, इस पे आपको बहुत कुछ फ्री में मिल जाएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए, ठीक है। तो आप ये वेबसाइट ट्राई करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।